बताइए जो ले जाने वाला है। अभी होगा थोड़ा जेसीबी से कबाड़वाना। इसमें जो भी प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि ऑपरेशनल फॉल्ट की वजह से ये घटना घटी है, क्योंकि फैक्ट्री बिल्कुल नई लगी हुई थी, अमूमन नई फैक्ट्री में बॉयलर इस प्रकार का विस्फोट हो जाए ऐसी संभावना न के बराबर रहती है, लेकिन कहीं लग रहा है कि कोई ऑपरेशनल फॉल्ट हुआ है, क्योंकि उस बॉयलर का सर्टिफिकेशन पिछले मई में नियमानुसार जो किया जाता है बॉयलर चीफ के द्वारा वो भी किया गया है विभागीय स्तर पर, तो बॉयलर में कोई फॉल्ट था या कोई गड़बड़ी थी ऐसा दिखता नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कोई ऑपरेशनल फॉल्ट वहाँ हुआ है। जांच के आदेश दिए गए हैं, जांच की रिपोर्ट आने के बाद जो उचित कार्रवाई होगी, जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई भी करेंगे हम लोग। टेक्निकल जो लोग इसको हैंडल करते हैं उनकी लापरवाही के कारण ऐसी घटना घटी है, और बॉयलर का सर्टिफिकेट जो इश्यू होता है प्रमाण पत्र वो श्रम संसाधन विभाग के द्वारा होता है। जैसे कुछ लोग बता रहे हैं कि इसको कंटिन्यू चलाया जा रहा था या कुछ ऐसी व्यवस्था में गड़बड़ी थी, तो जाँचों उपरांत जो बड़े अधिकारी बड़े इसके टेक्निकल लोग जब आएंगे जांच करेंगे, क्योंकि मैकेनिकल चीज़ है तो जांच करेंगे, तभी पता चलेगा कि किसकी लापरवाही है, और जिसकी भी लापरवाही होगी उस पर कार्रवाई की जाएगी।